कर रहे हैं, वहाँ लिए चलेंगे नाजरीन। ओपन केस है कि जिसमें साबित और अयान नजर आता है कि इसमें धांधली कोई नहीं हुई और शहबाज शरीफ का इसमें रोल कोई नहीं है और पीपी मोड है, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड पे है। इसको दो दिन में वो स्क्रूटनाइज कर सकते थे, 10 दिन का रिमांड बहुत ज़्यादा है। और ये शहबाज शरीफ, जैसे खैर साहब ने कहा, दुनिया मानती है, दुनिया उसके नाम को जानती है। इन्होंने चाइना की मिसाल दी, मैं उनके साथ सऊदी अरेबिया गया हूँ, मैं उनके साथ टर्की गया हूँ, सारी दुनिया के लोग उनको मानते हैं, उनकी लियाकत को, उनकी काबिलियत को, उनकी ऑनेस्टी को। हम समझते हैं कि ये ज्यादती हुई है और ज्यादती जिसके कहने पे हो रही है वो सियासी बात है। हम ये जो इलेक्शन आ रहा है इंशाल्लाह इसमें भरपूर हिस्सा लेंगे और अपना आइनी और कानूनी हक जो है वो लेकर रहेंगे। यहाँ पर आपको बताते चले कि चोइसर 10 रोज़ा रिमांड दे दिया गया है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का, ज़मीनी इंतखाबात भी करीब हैं, आपका कहना है कि ये सियासी इंतकामी कार्रवाई? देखिए, आपको याद होगा कि इलेक्शन जनरल इलेक्शन से पहले मियां नवाज शरीफ की गिरफ्तारी हुई और आज जो कल गिरफ्तारी की गई है इसी इशू की गई है। आपको याद होगा कि सेंट्रल के इलेक्शन में 3 वोट इनके अपने काम हो गए थे और 14 अक्टूबर को इलेक्शन, इंशाल्लाह पूरा यकीन अल्लाह का इंशाल्लाह कि लोग बाहर निकलेंगे शेर के निशान पर, माहौल और शेर को कामयाब करेंगे। आप क्या कहेंगे इस फैसले पे? देखें, आपको सारे दोस्तों ने जैसे बताया, ये आप 10 दिन के रिमांड की पहले, ये आपने मनाजिर देखे परवेज मलिक और इनके साथ साथ चौधरी शहबाज और दीगर जो हैं कारकुनान और कायदीन इस वक्त नून लीग के तज़िया दे रहे हैं और अपनी राय दे रहे हैं कि 10 दिन का रिमांड जो है ज़्यादा है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। अलबत्ता ये तो कहना जो है वो कबल वक्त होगा कि ये